के पास अपना मुंह ले जाती है। रॉकी के मुख के बदबू से मुन्नी के नाक के अंदर के कोमल बाल जलते हैं। रॉकी मुन्नी के एक्सप्रेशन देखते ही अपना मुंह दूर ले जाता है। फिर भी मुन्नी नजदीक आकर बोलती है, क्या बात है मुझे बताओ। रॉकी बोलता है, वैलेंटाइन डे नजदीक आ रहा है, आइटम का इंतजाम करना पड़ेगा। मुन्नी बोलती है, तो मुझे डेट पर ले चलो ना। रॉकी बोलता है, मुन्नी तू अभी बच्ची है, कच्ची कली है, जल्दी टूट जाओगी। लेकिन मुन्नी जिद करती है। रॉकी मुन्नी के फिगर का ऑब्जर्वेशन करता है। रॉकी के गर्दन की साइज की मुन्नी होने से रॉकी मुन्नी को रिजेक्ट करता है। रॉकी जंगल की तरफ अपनी माया को ढूंढने निकलता है। पीछे से मुन्नी बोलती है, हे भगवान मेरे सपनों का राजकुमार कब आएगा। रॉकी जानवर होने के बावजूद भी उसे नाबालिग की समझ है, लेकिन हम इंसानों को नहीं। अगर रॉकी की जगह एक इंसान होता तो अब तक कार्यक्रम निपटा के चला जाता। बस यही चीज हम इंसानों को जानवर और जानवरों को होशियार बनाती है। एग्री करते हो तो एक लाइक करो। रॉकी आगे बढ़कर दूसरे